वेलकम टू दर्ड लेक्चर ऑफ सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉलिबिलिटी को डिस्कस किया सेचूरेटिड अनसेचूरेटेड एंड सुपर सेचुरेटेड कंडीशंस तो अब उसके ऊपर एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच फर्स्ट इज सुपर सेचुरेशन द वेपर ऑफ अ कंपाउंड दैट हैज हायर पार्शल प्रेशर देन देपर प्रेशर ऑफ द कंपाउंड तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या किसी कंपाउंड का पार्शियल प्रेशर अगर उसके वेपर प्रेशर से भी ज्यादा हो जाए तो क्या इस फिनोमेना को भी सुपर सेचुरेशन बोलते हैं तो यस दिस इज आल्सो कॉल्ड सुपर सेचुरेशन हमने जो पढ़ा है दैट इज के इक्विलिब्रियम कंडीशन से भी ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर डिजोल्व होता है दैट इज कॉल्ड सुपर सेचुरेशन बट इट कैन ऑल्सो रेफर टू अ सिचुएशन वेन द पार्शल प्रेशर ऑफ अ कंपाउंड इज ग्रेटर देन इट्स वेपर प्रेशर सो दिस इज ट्रू सेकेंड इज सुपर कूलिंग देखिए सुपर कूलिंग का मतलब भी वही है कि आप पानी को अगर कूल cool करते जाएं तो नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जीरो डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज होगा और आइस बनेगा बट आइस बनने के लिए सिर्फ कूलिंग ही रिक्वायर्ड नहीं है आइस बनने के लिए दो और क्राइटेरियाज सेटिस्फाई होने चाहिए फर्स्ट इज के एनर्जी लो हो रही है तो वो कूलिंग पे ऑब्वियसली एनर्जी लो हो रही है सेकेंड क्राइटेरिया molecules must ऑस मस्ट ऑल्सो बी अलाइंड इन सच अ वे सो दैट दे कैन फॉर्म द रेगुलरली ऑर्गेनाइज सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर कि आइस में मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर तरीके से कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ तो उस तरह के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए भी उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए तो जब ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होते हैं तभी लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो सिर्फ कूलिंग ही सफिशिएंट नहीं है तो बहुत सारे केस ऐसे भी होते हैं जहां पर आप अगर लिक्विड को कूल cool करते जाएं बहुत ही केयरफुली विदाउट एनी डिस्टर्बेंस विदाउट एनी टेम्परेचर शॉक कि आपको सडनली उसको टेम्परेचर शॉक नहीं देना उसको स्लोली कूल cool करते जाएं और उसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए पानी में क्योंकि इम्प्योरिटीज की वजह से भी जो फ्रीजिंग है दैट इज एक्सलरेटेड कि वो फ्रीजिंग को इनिशिएट करती हैं कोई भी इंप्योरिटी प्रेजेंट हो तो हम पानी को जीरो डिग्री सेल्सियस से भी लोअर टेम्परेचर पे कूल cool कर सकते हैं और स्टिल वो आइस नहीं बनेगा दिस फिना इज कॉल्ड सुपर कूलिंग सो दिस इज करेक्ट वैसे ही सुपर हीटिंग का मतलब है कि आप पानी को या किसी लिक्विड को गर्म कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट से भी आप ऊपर चले गए हैं बट स्टिल इट इज नॉट बॉइलिंग कि बॉयल नहीं हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड सुपर हीटिंग तो ये तीन एडिशनल पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं कि वॉट इज सुपर हीटिंग अब देखिए नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं तो लास्ट का जो टॉपिक था दैट वाज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर तो इस पर हमने डिस्कस नहीं किया था देखिए प्रेशर का सॉलिड्स की सोल्यूबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या आप पानी में एन को डिजोल्व कर रहे हो या शुगर को डिजोल्व कर रहे हो और आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया या कम हो गया तो उसका एन या शुगर की सॉल्यूबिलिटी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज पानी भी इनकम्प्रेसिबल है और ये सॉलिड्स भी इनकम्प्रेसिबल है तो सॉल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर चेंजेस ठीक है क्यों नहीं होंगे क्योंकि दोनों इनकम्प्रेसिबल हैं। सेकेंड इज सॉलिबिलिटी ऑफ गैसे गैसेज तो कंप्रेसिबल होती हैं तो अगर आप बाहर का प्रेशर चेंज करेंगे तो डेफिनेटली गैस के बिहेवियर में या उसकी सॉलिबिलिटी में चेंज आएगा तो दीज आर अफेक्टेड ठीक है तो और कैसे इफेक्ट होता है गैस की सॉलिबिलिटी पे वो हम पढ़ेंगे अंडर द हेनरीज लॉ तो देखिए हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे कि किसी भी गैस को अगर आप किसी लिक्विड में डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं तो उसकी सॉलिबिलिटी का प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है तो नॉर्मली आप देखें कि आपके आसपास कोई भी आप लिक्विड लें तो उसमें जनरली कुछ गैसेस डिज़ोल्व होती हैं अगर हम पानी की बात करें तालाब में पानी है या कहीं भी पानी रखा हुआ है तो पानी इज नॉट फ्री ऑफ डिज़ोल्ड गैसेस पानी में कुछ अमाउंट ऑफ़ कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होगी क्योंकि अगर आपने ओपन उसको रखा है एटमोसफियर के साथ कॉन्टैक्ट में है ठीक है आपके पास एक ग्लास है पानी का और ये एटमोस्फेयर के साथ कॉन्टेक्ट में है तो ऑब्वियसली एटमोस्फेयरिक सी ओ टू कुछ कुछ इसमें डिजोल्व होगी जिससे क्या बनेगा कार्बोनिक एसिड एच टू सीओ थ्री इसकी वजह से पानी की पीएच थोड़ी सी चेंज हो जाती है थोड़ी सी सेवन से नीचे आ जाती है स्लाइटली एसिडिक हो जाता है वैसे ही पानी में ऑक्सीजन भी डिजोल्व होती है क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन की वजह से ही एक्वेटिक लाइफ या मरीन लाइफ सर्वाइव कर पाती है जो आपकी मछलियां हैं या जो भी मरीन क्रीचर्स हैं वो क्यों जिंदा हैं क्योंकि वो पानी से ऑक्सीजन लेते हैं तो पानी में ऑक्सीजन भी डिजॉल्व होती है तो डिफरेंट डिफरेंट गैसेज पानी में डिजोल्व होती हैं बट सबकी सॉलिबिलिटीज डिफरेंट हैं जैसे ऑक्सीजन बहुत कम डिज़ोल्व होती है जबकि एस ओ टू एच सी एल अमोनिया ये गैसेज ज़्यादा डिजोल्व होती हैं तो सॉलिबिलिटीज़ का डिफरेंस तो है पर सॉलिबिलिटी का डिफरेंस एक तो इनकी नेचर की वजह से है नेचर जैसे ओ टू में कोई पोलैरिटी नहीं है एसओ टू में पोलैरिटी है एच सी एल में पोलैरिटी है और अमोनिया में भी पोलैरिटी है तो इसकी वजह से और सेकेंडली एसओ टू प्लस एच टू इज एच टू थ्री वैसे ही एच सी एल भी पानी के साथ रिएक्ट करता है एच सी एल एसिड की तरह काम करेगा और वाटर बेस की तरह काम करेगा अमोनिया पानी में बेस की तरह काम करता है और पानी को एसिड की तरह बिहेव करना पड़ता है तो ये जो एस टू एच सी एल और अमोनिया है दीज गैसेज रिएक्ट विद वॉटर तो इनके रिएक्ट करने की वजह से इनकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा है वैसे सी ओ टू सीओ टू पानी के साथ रिएक्ट करके एच टू सीओ थ्री बनाती है तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं एक रीज़न हो सकता है कि आपकी जो गैस है वो पानी के साथ रिएक्ट कर जा रही है इसलिए उस रिएक्शन की वजह से उसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा है दूसरा रीजन हो सकता है कि उसकी नेचर डिफरेंट है इसलिए उसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा है ठीक है तो ये दो फैक्टर आपको समझ आ गए कि ऑक्सीजन भी डिजॉल्व होती है पर बहुत कम क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती जबकि ये गैसेज रिएक्ट करती हैं इसलिए ये सोल्यूबल होती हैं मतलब इनकी सॉल्युबिलिटी का प्रेशर से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है प्रेशर आप बढ़ाओगे तो इनकी सॉल्यूबिलिटी चेंज तो होगी बट मेजॉरिटी ऑफ द सॉल्यूबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर तो जब आप गैस को पानी में डिजोल्व करते हैं तो होता क्या है देखिए गैस प्लस सॉल्वेंट क्या देगा आपको फाइनली सॉल्यूशन अब अगर हम ली चेटली प्रिंसिपल अप्लाई करें देखिए यहां पर हमारे पास यही सिचुएशन है तो एक कंडीशन में यहां पर एक कंटेनर में नीचे पानी लिया गया है और इसमें कुछ गैस यहां पर रखी गई है अब बाहर से आप कुछ P1 प्रेशर पे अभी इक्विलिब्रियम मेंटेन है ठीक है तो अंदर का जो प्रेशर है वो भी P है और बाहर से प्रेशर भी P1 है तो इस टाइम आप देख सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स देखिए एक मॉलिक्यूल ये ये दोनों नीचे जा रहे हैं मतलब ये दोनों पानी में डिजॉल्व होने के लिए जा रहे हैं और दो मॉलिक्यूल ऑलरेडी डिजॉल्व थे वो ऊपर आ रहे हैं मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन है दो मॉलिक्यूल बाहर आ रहे हैं और दो मॉलिक्यूल पानी में डिजोल्व हो रहे हैं अब अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को सडनली बढ़ा दें पिस्टन को डाउनवर्ड पुश करें तो क्या होगा इस इतनी सी वॉल्यूम में इस टोटल वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो क्या हो जाएंगे कंप्रेस हो जाएंगे तो कंप्रेस होने से वहां पर प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब जो हुआ है उसको आप दोबारा अटेन कैसे कर सकते हैं कि प्रेशर P1 होना चाहिए था क्या हो गया यहाँ पे बढ़ गया P2 हो गया तो उसको वापस P1 पे कैसे लाया जाए डिक्रीज करके डिक्रीज कैसे करेंगे ये जो स्पेस है ये जो स्पेस है यहाँ पर इसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि पिस्टन इस पोजीशन पे है बट अगर हम नंबर ऑफ़ गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कम कर दें तो प्रेशर कम हो जाएगा तो कुछ गैस मॉलिक्यूल नीचे पानी में चले जाएंगे जिसकी वजह से इस स्पेस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो कम हो जाएंगे तो प्रेशर भी कम हो जाएगा तो दोबारा इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो आप ये बोल सकते हैं कि इनिशियली ये हमारे पास यहाँ पर लिक्विड है और यहाँ पर हमारा कोई गैस मॉलिक्यूल्स अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि कुछ गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विड में भी डिजोल्व होंगे तो जिस स्पीड से वो पानी में जा रहे हैं या लिक्विड में जा रहे हैं उसी स्पीड से वो बाहर भी आ रहे हैं तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है अब जैसे ही आप प्रेशर बाहर से बढ़ाते हैं तो क्या होगा प्रेशर बढ़ाने पे ये पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा ये जो स्पेस है ये स्पेस कॉन्ट्रैक्ट करेगा इन मॉलिक्यूल्स को कम जगह मिलेगी तो ज़्यादा प्रेशर एक्जर्ट करेंगे ये इसलिए वो जो बढ़ा हुआ प्रेशर है उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ मॉलिक्यूल और लिक्विड में डिजॉल्व हो जाएंगे तो जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो क्या होता है रिएक्शन गोज फॉरवर्ड टू डिक्रीज द प्रेशर तो सिंपल ली चैटली प्रिंसिपल है कि गैस प्लस सॉल्वेंट गिव्स यू सॉल्यूशन तो गैस का प्रेशर था तो गैस अगर आपने एक्स्ट्रा डाल दी तब भी प्रेशर बढ़ेगा आपने वॉल्यूम कम कर दी तब भी प्रेशर बढ़ेगा तो दोनों केसेस में जब प्रेशर बढ़ गया है उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं आप फॉरवर्ड जाएं फॉरवर्ड सिर्फ सॉल्यूशन मिलेगा आपको कोई गैस नहीं है तो रिएक्शन गोज फॉरवर्ड टू रिड्यूस द प्रेशर अगर अगर आप प्रेशर ऑफ गैस कम कर देते हैं तो उसको दोबारा बनाने के लिए रिएक्शन को बैकवर्ड आना पड़ेगा तो रिएक्शन गोज बैकवर्ड टू इंक्रीज द प्रेशर तो सिंपल ही चैटले प्रिंसिपल के ऊपर ये सिस्टम काम कर रहा है ठीक है तो हम इतना देख सकते हैं तो प्रेशर जब बढ़ाया रिएक्शन तो फॉरवर्ड गया फॉरवर्ड गया तो क्या हुआ और गैस के मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड में डिजोल्व हुए मतलब लिक्विड में जो अमाउंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल थे वो बढ़े तो इसका मतलब है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व इन लिक्विड मतलब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो जो लिक्विड में डिजोल्व होने वाली गैस है वो बढ़ती है ठीक है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू एक्स एक्स क्या है इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन किसकी ऑफ गैस किस फेज में इन लिक्विड क्योंकि गैस की मोल फ्रैक्शन यहां पर भी होगी क्योंकि यहां पर कुछ लिक्विड के भी वेपर होंगे तो यहां पर उसकी मोल फ्रैक्शन वाई है यहां पर इसकी मोल फ्रैक्शन एक्स है तो ये ध्यान में रखना कौन सी मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम जो लिक्विड फेज में है गैस की तो इक्वेशन आ जाएगी पी इज इक्वल टू के एच एक्स नाउ दिस इज कॉल्ड हेनरी लॉ के पी इज इक्वल टू के एच इन टू एक्स के एच इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हेनरी इज कॉन्स्टेंट तो पी और एक्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है कि प्रेशर बढ़ेगा तो अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व भी बढ़ेगी यहां पे बोलते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस और अमाउंट ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर एक्टिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड अब यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यह जो प्रेशर है ये कौन सा प्रेशर है क्या यह एक्सटर्नल प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं यह कौन सा प्रेशर है जो इस सरफेस पे यहां पर लग रहा है लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है वो किसका प्रेशर लग रहा है इस गैस का तो पी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन द लिक्विड सरफेस कि लिक्विड के सरफेस पे ये गैस क्या प्रेशर एग्जर्ट कर रही है दैट इज पी तो ये आपको पता होना चाहिए कि पी एग्जैक्टली exactly क्या है और एक्स एग्जैक्टली exactly क्या है तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के एच इज कॉल हेनरीज कांस्टेंट अब आप देख लीजिए कि क्योंकि P और x में डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगी तो जैसे जैसे आप पार्शियल प्रेशर सरफेस पे बढ़ाते जाएंगे x की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ की स्लोप किसके बराबर होगी के एच के बराबर अब देखिए नेक्स्ट इज के एक्स क्योंकि मोल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन के कोई यूनिट्स नहीं होते तो के एच के यूनिट्स वही होंगे जो प्रेशर के हैं तो यूनिट्स ऑफ के एच आर सेम एज दैट ऑफ प्रेशर सेकेंड के एच इज डिफरेंट फॉर एवरी गैस सॉलवेंट एंड टेम्परेचर मतलब अगर आप गैस को चेंज कर देते हैं पर सॉल्वेंट वही रखते हैं टेम्परेचर वही रखते हैं तब भी के एच चेंज हो जाएगा अगर आप सिर्फ सोलवेंट को चेंज करते हैं तब भी चेंज होगा और आप सिर्फ टेम्परेचर चेंज करते हैं तब भी के एच चेंज होगा तो इट इज डिफरेंट फॉर एवरी गैस सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर अब के एच इंक्रीजिस तो सॉल्यूबिलिटी डिक्रीजिस अब यह आप कैसे प्रूव करेंगे कि के एच बढ़ाने से सॉल्यूबिलिटी बढ़ती है सॉरी घटती है देखिए मेरे पास दो पर्टिकुलर गैसेस हैं ठीक है दोनों को मैं सेम प्रेशर पे रखता हूं ठीक है दोनों का एक कंटेनर यहां पर है मेरे पास तो यहां पर इस कंटेनर में यहां पर यह लिक्विड है और इसके ऊपर गैस ए का प्रेशर यहां पर एग्जर्ट हो रहा है ये दूसरा कंटेनर है यहां पर भी ये लिक्विड है और इसके ऊपर यहां पर गैस बी का प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है तो दोनों जो पी ए और पी बी हैं वो आपस में बराबर हैं तो बराबर होने का मतलब है कि के एच ऑफ ए इंटू एक्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू के एच ऑफ बी इंटू एक्स ऑफ बी तो प्रेशर तो मैंने बराबर अप्लाई किया है बट जिसका अब क्योंकि ये दोनों बराबर हैं आपस में तो अगर के एच ए बड़ा होगा तो एक्स ए छोटा होगा तो मतलब जिसका के एच बड़ा आ रहा है उसका एक्स कम है एक्स क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ डिजोल्व गैस तो एक्स कम का मतलब क्या हुआ कि कम गैस डिजोल्व हो रही है तो इससे आप प्रूव कर सकते हैं कि हायर द वैल्यू ऑफ के एच लोअर इज द सॉलिबिलिटी ओके नेक्स्ट इज के एच विद इंक्रीज इन टेम्परेचर तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के बढ़ेगा क्यों क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की सॉलिबिलिटी कम होती है जब आप सोडा वाटर की बॉटल कोक की या पेप्सी की कोई भी सोडा वाटर बॉटल लेते हैं उसको अगर आप हीट करेंगे तो क्या होगा अंदर प्रेशर बिल्डअप ज़्यादा होता है गैस बाहर निकलने की ट्राई करती है क्योंकि गैस पानी में डिजोल्व या उस ड्रिंक में डिजोल्व नहीं रहना चाहती हाई टेम्परेचर पे उसकी कारनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो बाहर निकलने की ट्राई करेगी तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सॉलिबिलिटी कम होगी ठीक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी सॉलिबिलिटी कम होती है और के एच बढ़ाने से भी सॉलिबिलिटी कम होती है तो के एच और टेम्परेचर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं अब यहां पर ये यह तीन वैल्यूज शो की गई हैं देखिए ऑक्सीजन के लिए केएच की वैल्यू है वन पॉइंट थ्री इंटू टेन एच और माइनस थ्री सीओ टू के लिए इसकी वैल्यू ज्यादा है तो मतलब सीओ टू ज्यादा सॉल्यूबल है एच टू के लिए और भी कम है इसकी वैल्यू ओ टू से भी मतलब एच टू ऑक्सीजन से भी लेस सॉल्यूबल है तो सॉल्युबिलिटी की इंपॉर्टेंस अब हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस तो पढ़ लिया इसकी इंपॉर्टेंस क्या है देखिए अगर आप ब्लड की बात करें तो ब्लड की ऑक्सीजन को डिजोल्व करने की टेंडेंसी वाटर से सिक्सटी सिक्स टाइम्स ज़्यादा है मतलब वाटर में अगर एक्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व हो रही है एक पर्टिकुलर प्रेशर पे तो ब्लड में उतने ही प्रेशर पे 66 टाइम्स ज़्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व होगी क्यों बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है तो ये सॉलिबिलिटीज इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को भी समझने के लिए ओके नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ हैंड लॉ देखिए फर्स्ट इज कि आप जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज करते हैं पीने के लिए उनमें कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व किया जाता है अब कार्बन डाइऑक्साइड को जबरदस्ती उसमें डिजोल्व किया जाता है तो ज़्यादा अगर डिजोल्व करना होगा तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा ज़्यादा प्रेशर बिकॉज पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स हायर द वैल्यू ऑफ पी हायर द वैल्यू ऑफ एक्स तो इंक्रीज टू इंक्रीज द सॉल्यूबिलिटी ऑफ CO2 टू इन सॉफ्ट ड्रिंक्स द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर सो वी हैव टू अप्लाई हाई प्रेशर ताकि ज़्यादा गैस डिजोल्व हो सेकेंड इज एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव बेटर इन कोल्ड वाटर देखिए आपने देखा होगा कि अगर जहां पर भी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं तो इंडस्ट्रीज जो वेस्ट वाटर होती है उस वेस्ट वाटर को आसपास के रिवर्स में या तालाब में छोड़ते हैं उससे क्या होता है वो पानी का टेम्परेचर हाई होता है जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर होगा तो उस पानी में डिजोल्ड गैसेज बाहर निकल जाएंगी क्योंकि हाई टेम्परेचर पर गैसेज की कैनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो गर्म पानी में कम ऑक्सीजन डिजोल्व होती है ठंडे पानी में क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी तो ठंडे पानी में ज़्यादा ऑक्सीजन डिजोल्ड रहती है इसीलिए लिए एक्वेटिक लाइफ कहां पर ज्यादा मिलेगी आपको जहां पर ठंडे पानी है ठीक है तो ये भी हैंनरी लॉकी एप्लीकेशन है थर्ड इज ब्रीदिंग एयर टैंक जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनका जो ब्रीदिंग एयर टैंक है वो नॉर्मल एयर उसमें कंप्रेस नहीं होती तो नॉर्मल एयर में क्या होगा ट्वेंटी परसेंट ऑक्सीजन होगी ठीक है बट उनके लिए जो ब्रीदिंग एयर टैंक्स होते हैं उनको डाइल्यूट किया जाता है हीलियम गैस के साथ अब हीलियम गैस डालने का देखिए क्या मेन यहां पर रीजन है सपोज आप स्कूबा डाइविंग के लिए जा रहे हैं अब जैसे ही आपने पानी के सरफेस आपने एंटर किया तो सरफेस पे तो जो प्रेशर है एयर का वो कम है एटमोस्फेरिक प्रेशर पर जैसे जैसे आप पानी में नीचे जाएंगे सपोज देखिए यहाँ पर यह सरफेस था यहाँ पर आप डाइव किए जैसे जैसे आप पानी में नीचे जाएंगे हाइट बढ़ेगी तो सपोज किसी टाइम आप यहां पर हैं इस पर्टिकुलर डेप्थ पे हैं तो आपके सर के ऊपर जितना पानी है वो प्रेशर भी तो एक्स्ट्रा एक्ट करेगा तो अभी इस पॉइंट पे जो भी एयर आप ब्रीद कर रहे हैं वो एयर जब आपकी बॉडी में नर्व्स में आपके जो टिश्यूज़ में जाएगी तो आपकी बॉडी के ऊपर जो टोटल प्रेशर लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है ठीक है एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी मतलब सरफेस पे जब आप बाहर थे तो आपकी बॉडी में अगर एक्स अमाउंट किसी गैस का डिज़ोल्व हो रहा था तो पानी के नीचे जाने पे उसका x से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट डिजोल्व होगा ठीक है ये पॉइंट क्लियर हो गया कि डेप्थ पे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा तो x की वैल्यू बढ़ेगी अब आपके ब्लड में ज़्यादा गैसेस डिज़ोल्व हो गई हैं नॉर्मल से अब क्या होगा जैसे ही आप वापस ऊपर सरफेस की सरफेस की तरफ आने की ट्राई करेंगे तो प्रेशर फिर से घटेगा प्रेशर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी भी घटेगी मतलब जो एक्सेस ऑफ गैस डिजोल्व हो चुकी थी आपके ब्लड में आपके टिश्यूज में वो अब बाहर निकलने की ट्राई करेगी और जब गैस बाहर निकलती है तो कैसे निकलेगी बबल्स की फॉर्म में तो आपके ब्लड में आपके नर्व्स में क्या होगा बबल्स बनने स्टार्ट होंगे क्योंकि गैस बाहर निकलने की ट्राई कर रही है क्योंकि प्रेशर घट चुका है एक्सटर्नल प्रेशर इसलिए आपकी जब बॉडी में वो नर्व्स में बबल्स आएंगे उनकी वजह से आपको एक बहुत फेटल प्रॉब्लम आ सकती है दैट इज कॉल्ड डीकम्प्रेशन सिकनेस और बेंड्स तो ये फेटल हो सकता है मतलब आप इसमें काफी डैमेज हो सकता है आपके मसल्स को या आपके ऑर्गन्स को तो इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करना है हमें हम नहीं चाहते कि जब हम डाइविंग करके नीचे जाएं तो ज्यादा गैसेस हमारे ब्लड में डिजोल्व हों इसलिए हम एयर को डाइल्यूट करते हैं हीलियम के साथ क्योंकि हीलियम की सोल्यूबिलिटी बहुत कम होती है तो ये इस चीज को अवॉइड करता है या मिनिमाइज करता है अवॉइड तो नहीं कर सकता मिनिमाइज करेगा ओके नेक्स्ट इज एट हाई एल्टीट्यूड देखिए जैसे आप हाइट्स पे पहाड़ों पे जाते हैं वहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स तो पार्शियल प्रेशर कम होगा तो जो आपके ब्लड में ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी वो भी कम होगी तो आपके ब्लड और टिश्यूज को कम ऑक्सीजन मिलेगी इसकी वजह से जो ट्रैकर्स होते हैं जो हाइट पे ट्रैकिंग करने जाते हैं उनको कभी कभी एनॉक्सिया नाम की एक कंडीशन फेस करनी पड़ती है जिसमें क्या होता है सडनली उनके ब्लड में और टिश्यूज़ में ऑक्सीजन कम हो जाती है जिससे ना वो ढंग से सोच पाते हैं ना बॉडी पे उतना अच्छा कंट्रोल रह जाता है तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ लास्ट वन इज द लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ देखिए हैंनरीज लॉ तभी एप्लीकेबल है अगर प्रेशर ऑफ द गैस इज़ नॉट टू हाई बहुत हाई प्रेशर आप स्टडी नहीं कर रहे हैं एक मॉडरेट सा प्रेशर जिसपे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं सेकेंड इज टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए थर्ड गैस का सॉल्वेंट के साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए जैसे सी तो केमिकल रिएक्ट करती है एच सी केमिकल रिएक्ट करता है एनएस थ्री केमिकल रिएक्ट करता है ओके तो उनका कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए फोर्थ इज गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन कि पानी में जाने का या सॉल्यूशन में जाने का गैस के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर या वो डिसोशिएट करेगी या एसोशिएट करेगी इस तरह का कोई भी बिहेवियर शो नहीं करना चाहिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर वन हैनरीज लॉ के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन कि हैरीरिज लॉ कांस्टेंट फॉर मोलेलिटी ऑफ सी एच फोर इन बेंजीन एट 298 नाइनटी एट कैलविन इज फोर पॉइंट टू सेवन इन टू टेनिज और फाइव एम एम ऑफ मर्करी तो आपको हैनरीज लॉ कांस्टेंट दिया गया है टेम्परेचर दिया गया है बट फॉर मोलेलिटी ऑफ सी एच फोर इस लाइन को पढ़ के कई बार स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते कि मोलेलिटी यहाँ पर कहाँ से आ गई क्योंकि हमने किसी भी फॉर्मूला में को यहाँ नहीं पढ़ा देखिए मोलैलिटी बेसिकली क्या है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक टर्म है ठीक है तो आप मोलैलिटी लिखिए मोलैरिटी लिखिए नॉर्मैलिटी लिखिए सॉल्यूबिलिटी लिखिए बात एक ही है तो चाहे मोलैलिटी लिखें या सॉल्यूबिलिटी तो ये कन्फ्यूज़ करने के लिए वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं तो बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि सी एच फोर की बेंजीन में सोल्यूबिलिटी के लिए क्योंकि मोलैलिटी भी एक तरह से कंसनट्रेशन को डिफाइन कर रहा है वही सॉल्यूबिलिटी है तो उसकी सोल्यूबिलिटी के लिए के की वैल्यू के एच की वैल्यू इतनी है तो डिटर्मिन दॉल्यूबिलिटी ऑफ सी एच फोर इन बेंजीन एट 298 नाइनटी एट कैलविन अंडर सेवन सिक्सटी एम ऑफ मर्की तो अब अगर इस क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट का मतलब क्या है डायरेक्टली सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है हमें देखिए इन बेंजीन मतलब आपके पास यहां जो लिक्विड दिया गया है दिस इज बेंजीन तो बेंजीन में किसको को डिजोल्व करना है सी को मतलब यहां बाहर जो गैस है प्रेजेंट दैट इज सी एच फोर तो सी एच फोर का बेंजीन के सरफेस पे कुछ प्रेशर बन रहा होगा ठीक है तो कितना प्रेशर बन रहा है लिखा है न सेवन सिक्सटी एम एम ऑफ मर्करी ओके तो हम लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एच फोर इज सेवन सिक्सटी एम एम ऑफ मर्करी के एच की वैल्यू इस केस में हमारे को दी गई mm है फोर पॉइंट टू सेवन इंटू टेनरेज टू पावर फाइव एम एम ऑफ मरकरी दोनों के यूनिट सेम हैं तो डायरेक्टली हम हैनरेज लॉ अप्लाई करेंगे पी इज इक्वल टू के एच एक्स तो प्रेशर कितना है देखिए तो पी सी एच फोर इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स दैट इज सेवन सिक्सटी एम एम ऑफ मरकरी इज इक्वल टू फोर पॉइंट टू सेवन इंटू टेन रेज फॉर फाइव एम एम ऑफ मर्करी इंटू एक्स ऑफ सी एच फोर तो यहां से कैलकुलेट करने पे x ऑफ सी एच फोर आपके पास आएगा 1.78 पॉइंट सेवन एट इन टेन रेज पावर माइनस थ्री दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेन सोलिबिलिटी क्योंकि सोलिबिलिटी को आप मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हो और यहां पर तो हम मोल फ्रैक्शन ही कैलकुलेट करते हैं लॉ में अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू सील्ड बॉटल्स ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की हमने दो सील्ड बॉटल ली अब एक को हमने पहाड़ के टॉप पे जाके टॉप ऑफ द माउंटेन पे ओपन किया दूसरे को हमने सी लेवल पे ओपन किया तो किसमें ज्यादा बबल्स प्रोड्यूस होंगे तो देखिए माउंटेन पे जाने से होता क्या है ऑन माउंटेन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस की जो भी उसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं ना तो इसका मतलब हुआ कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में यहां पर इसको बंद कर दिया गया अब देखिए यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई है ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व है क्यों डिजोल्व है क्योंकि इस सरफेस पे कुछ प्रेशर एक्ट हो रहा है तो माउंटेन पे जाएंगे तो एयर की डेंसिटी कम होती है मतलब सभी गैसेस का प्रेशर कम होता है तो माउंटेन पे क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू इज लेसर सी लेवल पे अगर आप देखेंगे तो सी लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू इज ग्रेटर और के एच की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम होनी चाहिए क्योंकि टेम्परेचर सेम है कार्बन डाइऑक्साइड सेम है और सॉल्वेंट भी सेम है तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स तो जहां पर प्रेशर कम होगा वहां पर सॉल्यूबिलिटी भी कम होगी सॉल्यूबिलिटी कम होगी मतलब गैस पानी में रहना कम प्रेफर करेगी बाहर निकलने की ट्राई ज़्यादा करेगी तो जैसे ही आप दोनों बॉटल्स को खोलेंगे जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी वहां पर CO2 टू फॉर्म में रहेगी पर जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी वहां पर CO2 टू फॉर्म में रहना चाहेगी तो किस में बाहर निकलेगी जल्दी ऑन द माउंटेन ओके सो ऑन द माउंटेन ओपनिंग ऑफ बॉटल या ओपनिंग ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक विल गिव मोर बबल्स ठीक है तो आप इसको एक यहां पर फॉर्मूला के तरह से प्रूव कर सकते हैं कि माउंटेन पे देखिए पी माउंटेन डिवाइड बाय पी सी लेवल इज इक्वल टू एक्स माउंटेन अपॉन एक्स सी लेवल तो माउंटेन का प्रेशर कम है तो एक्स माउंटेन पर भी कम होगा मतलब वहां पर जो डिजॉल्ड सीओ टू है वो कम रहेगी तो मतलब बाकी की बाकी बाहर निकल जाएगी अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉलिबिलिटी के ऊपर कि सॉलिबिलिटी का टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन है तो सोलिबिलिटी कर्व्स ऑफ फोर आयनिक सोल्ट डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर गिवन बिलो ये आपके पास चार कर्व दिए गए हैं तो किस केस में डेल्टा एच सॉल्यूशन नेगेटिव है तो ये आपको बताना है कि टेम्परेचर के साथ तो देखिए W, Y और Z में सॉलिबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज कर रही है तो हमने पढ़ा है कि इफ़ सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर तो इसका मतलब है कि डेल्टा एच इज़ पॉजिटिव क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है और सॉलिबिलिटी अगर डिक्रीज कर रही हो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर तो भी हमने पढ़ा है कि डेल्टा एच क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए तो यहां पर सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे किसकी डिक्रीज कर रही है एक्स की तो आंसर शुड बी एक्स अब स्टार्ट करते हैं विद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड और अ प्योर सॉलिड देखिए इस टॉपिक को हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया कि वेपर प्रेशर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि उसका बेसिक मीनिंग क्या होता है वेपर प्रेशर का तो देखिए यहां पर इस डायग्राम में हम देख सकते हैं सॉल्वेंट प्योर मॉलिक्यूल्स हैं और कुछ उसके वेपर फेज में हैं तो जब दोनों में इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो क्या होगा देखिए वन टू थ्री फोर फाइव तो पांच मॉलिक्यूल वेपर से लिक्विड में आ रहे हैं कंडेंस हो रहे हैं और वन टू थ्री फोर फाइव पाँच ही लिक्विड से वेपर फेज में जा रहे हैं मतलब इवेपोरेशन हो रही है तो जब दोनों का रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम और इस पॉइंट पे जो भी यहाँ पर नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स होंगे वो बराबर रहेंगे वो ना बढ़ेंगे ना घटेंगे तो प्रेशर भी फिक्स होगा तो वेपर प्रेशर क्या है इट इज़ द पार्शल प्रेशर ऑफ वेपर्स इन इक्वलिब्रियम विद प्योर सॉलिड और लिक्विड कि वो वेपर जो या तो प्योर सॉलिड के साथ इक्वलिब्रियम है या वो प्योर लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उनका प्रेशर वेपर प्रेशर कहा जाता है सेकंड इज ये सिर्फ लिक्विड के लिए अप्लाई नहीं होता ये सॉलिड के लिए भी अप्लाई होता है क्योंकि वॉलेटाइल सॉरी यहां पर सॉलिड होगा तो वॉलेटाइल सॉलिड्स जैसे कि आयोडीन वो भी इवेपोरेट करते हैं और इवेपोरेट करेंगे तो उनके वेपर्स बनेंगे और वेपर प्रेशर भी होगा तो वेपर प्रेशर इज नॉट ओनली डिफाइंड फॉर लिक्विड्स बट ये सॉलिड के लिए भी डिफाइन किया जाता है थर्ड इज इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमना है जबकि बॉइलिंग मतलब इवेपोरेशन में क्या होता है ये है ये किसी भी पे होगा तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको थोड़ी एनर्जी इधर उधर से लेके वो कई बार इंटर मोलिकुलर अट्रेक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर लेते हैं और बाहर निकल जाते हैं सिर्फ सरफेस से तो इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस से होती है पर जब आप बॉइल करते हैं किसी सबस्टांस को आप हीट उसको दे रहे हैं तो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल मतलब बल्क का मतलब है कि ये जो आपके पास यहाँ पर लिक्विड है या बीच में से कोई एक मॉलिक्यूल हो सकता है कि इसके पास सडनली इतनी एनर्जी आ जाए कि आसपास के अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करके बाहर निकल जाए तो मतलब मॉलिक्यूल बल्क में से बीच में से कहीं जाके भी बाहर निकल सकता है इसीलिए बॉइलिंग में आप देखते हैं कि जो बबल्स होते हैं वो सिर्फ सरफेस से नहीं निकलते बबल्स पानी के बल्क से नीचे से स्टार्ट होके ऊपर तक आता है मतलब नीचे से कोई मॉलिक्यूल इवेपोरेट हुआ वेपराइज हुआ और बबल की फॉर्म में निकलता निकलता बाहर चला गया तो बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है ये पानी के अंदर से स्टार्ट होती है इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस पे होती है नेक्स्ट इज की वेपर प्रेशर एक इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी है और इसलिए ये सिर्फ नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करती है कि एच टू ओ का वेपर प्रेशर कुछ और होगा सी सी एल फोर का कुछ और होगा बेंजीन का कुछ और होगा ठीक है और दूसरा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है तो टेम्परेचर पे इसकी जो डिपेंडेंस है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस क्लॉशियस क्लिपरॉन इक्वेशन जो होपफुली आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ी होगी तो नेचुरल लॉग पी टू बाई पी वन इज इक्वल टू डेल्टा एच वी दैट इज एंथेल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइड बाय आर वन अपॉइन टी वन माइनस वन अपॉइन टी टू तो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या आपकी डिफरेंट डिफरेंट वेपर प्रेशर की वैल्यूज़ होंगी पी वन एंड पी टू वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट इज की वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डजेंट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ लिक्विड कितना अमाउंट लिया है मतलब आपके पास पानी अगर चम्मच में है तालाब में है बाल्टी में कहीं भी है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उस पर्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर फिक्स रहेगा सरफेस पे भी डिपेंड नहीं करता मतलब आप एक कंटेनर इस तरह का ले लें एक कंटेनर इस तरह का ले लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सरफेस एरिया कितना है वेपर प्रेशर दोनों का सेम होगा वॉल्यूम और शेप ऑफ कंटेनर इससे भी फर्क नहीं पड़ता ठीक है नेक्स्ट इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड तो जो एक्वेंशन है वो कुछ नहीं है इट इज जस्ट द वेपर प्रेशर ऑफ द वॉटर एट दैट टेम्परेचर अब बात करते हैं रेलेटिव ह्यूमिडिटी की देखिए रेलेटिव ह्यूमिडिटी एक काफी जनरल टर्म है आप डे टू डे लाइफ में इसको जब वेदर रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसमें रेलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू आती है और केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है हंड्रेड परसेंट ह्यूमिडिटी क्या होती है देखिए जब आप एयर की बात करते हैं तो एयर में सपोज आपके पास एक सील्ड कमरा है बिल्कुल सील्ड टोटल सील्ड आपके पास कमरा है एक उसमें आपने फर्श पे पानी ही पानी फेंक दिया अब पानी धीरे धीरे क्या होगा इवेपोरेट होगा इवेपोरेट होने के बाद कब तक चलेगा जब तक वो इक्विलिब्रियम पे नहीं आता तो मान लीजिए वो इक्विलिब्रियम पे आ गया मतलब है कि उस कमरे की एयर में अब जितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं अब उससे ज़्यादा नहीं हो सकते क्यों क्योंकि इक्विलिब्रियम आ चुका है तो वो हंड्रेड परसेंट ह्यूमिडिटी है मतलब उस कमरे की एयर उससे ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स को अकोमोडेट नहीं कर सकती मतलब मान लीजिए कि हमारे पास दस हज़ार वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उस एयर में उस टेम्परेचर पे तो मतलब वो 100 परसेंट वैल्यू है कि 100 परसेंट ह्यूमिडिटी पे दस हज़ार मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही एयर में टिक सकते हैं अगर दस हज़ार की जगह अब मैं कहूँ कि अभी अभी मेरे पास एक और रूम में उतनी स्पेस है सब कुछ है और सिर्फ पाँच हज़ार वाटर मॉलिक्यूल एयर में आए हैं तो मतलब दस का आधा हुआ तो दस अगर हंड्रेड ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पाँच क्या होगा फिफ्टी तो ये जो आपका वेपर प्रेशर है वेपर प्रेशर अगर आपका कितना होता है सपोज 50 होता है वेपर प्रेशर आपका उस टेम्परेचर पे मतलब 50 इज द मैक्सिमम प्रेशर जो एयर उस टाइम होल्ड कर सकती है और अब जो आपको क्वेश्चन दिया गया उसमें दिया गया है कि पार्शियल प्रेशर इज 25 वाटर का तो 25 फाइव बाई फिफ्टी दैट इज वन बाई टू ठीक है इन टू हंड्रेड दैट इज फिफ्टी तो इसका मतलब हुआ कि अभी जो आपका ह्यूमिडिटी है वो मैक्सिमम की फिफ्टी परसेंट है तो इस तरह से आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि, कि किसी भी केस में जो पार्शियल प्रेशर आपको दिया गया है वाटर का एट एनी गिवन गि डिवाइडेड बाय उस बाईर पे अगर वेपर प्रेशर होता तो कितना होता इन टू हंड्रेड तो जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे सॉल्व आई होप आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी नेक्स्ट इज द बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर लिक्विड का और एक्सटर्नल प्रेशर एटमोसफेयर प्रेशर आपस में बराबर हो जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस पानी का बॉइलिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 भी हो सकता है 100 से कम भी हो सकता है 100 से ज़्यादा भी हो सकता है तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे ये दोनों प्रेशर आपस में बराबर हो जाते हैं ओके okay? तो अब हम वेपर प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको उसके एप्लीकेशन में क्लैरिटी आएगी देखिए क्वेश्चन दिया गया कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस 355 फिफ्टी टॉर तो वेपर प्रेशर दिया है पानी का एट 100 हंड्रेड एम एल वेसल कंटेन्ड वाटर ओ टू वाटर ओ टू मतलब ऑक्सीजन गैस जिसमें वाटर सेचुरेटेड है मतलब उसमें आप उससे ज्यादा पानी वो होल्ड नहीं कर सकती वो ऑक्सीजन गैस इसका मतलब क्या हुआ ये आपके पास हंड्रेड एम है वेसल और क्योंकि यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर की बात की है तो वेपर प्रेशर होगा तो हमारे पास क्या होगा थोड़ा सा लिक्विड पानी तो होना ही चाहिए क्योंकि जब तक दोनों लिक्विड और वेपर फेज नहीं होंगे इक्विरम बनेगा नहीं तो यहाँ पर ये क्या है ये है पानी लिक्विड स्टेट में अब यहाँ पर जो वेपर्स हैं इन वेपर्स में क्या लिखा गया है वाटर सेचूरेटेड ओ मतलब यहां पर ओ भी है और एच गैस वेपर्स भी हैं सेचुरेटेड है मतलब मैक्सिमम मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका है ठीक है अब इसका टोटल प्रेशर जो दिया गया है वो किसके बराबर होगा वो होगा प्रेशर ऑफ ओ टू पार्शल प्रेशर ऑफ ओ टू प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू ओ और वो कितना दिया गया है 760 टोटल प्रेशर इज 760 तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ओ टू हमें नहीं पता कितना है पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू ओ कितना है क्योंकि सिस्टम तो इक्वलिब्रियम है क्योंकि सेचूरेटेड है तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू ओ होगा वो उसके वेपर प्रेशर के बराबर होगा तो ये थ्री फिफ्टी फाइव होगा ठीक है तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ओ टू तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ओ टू की कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये आ जाएगा आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ओ टू इज इक्वल टू फोर हंड्रेड फाइव टॉर अब देखिए अब क्या किया इन्होंने द कंटेंट्स ऑफ द वेसल वैसल इंटू फिफ्टी एम एल वेसल इस पूरे के पूरे सिस्टम को हमने किस में ट्रांसफर कर दिया एक आधी वॉल्यूम वाले कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया तो यहां पर भी कुछ पानी रहेगा और कुछ ओ टू और एच टू रहेंगे ठीक है अब फाइनली कहा गया कि निग्लेक्ट द कंडेंसेशन ऑफ वाटर कि वॉल्यूम चेंज करने से कुछ कंडेंसेशन हुई होगी उसको निग्लेक्ट करेंगे हम तो पहली चीज कि जब आपने वॉल्यूम चेंज कर दिया वेसल का क्या वेपर प्रेशर चेंज हो सकता है क्या वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पे या शेप ऑफ द वेसल या वॉल्यूम ऑफ द वेसल पे डिपेंड करता है या अमाउंट ऑफ लिक्विड पे नहीं करता मतलब अभी भी यहां पर जो है वो क्या है ओ टू प्लस एच टू तो है बट इस कंडीशन में इन द 50 ml एल वेसल पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू अभी भी उतना ही रहेगा थ्री फिफ्टी फाइव टॉर क्योंकि वो तो वेपर प्रेशर है वो इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी है ठीक है वो वेसल का साइज चेंज करने से चेंज नहीं होगी पर जो ओटू था ओटू तो अपने लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं है तो ओटू वेपर प्रेशर एक्जर्ट नहीं कर रहा ओटू क्या एक्जर्ट कर रहा है सिंपल पार्शियल प्रेशर ठीक है तो बट ओटू गेट्स कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स वॉल्यूम तो O2 को आपने 100 ml से डाल के हटा के उसको 50 ml में डाल दिया तो O2 की तो वॉल्यूम आधी होगी इसलिए प्रेशर उसका क्या हो जाएगा डबल ठीक है तो नया जो प्रेशर ऑफ O2 है अब वो कितना होगा 405 का डबल क्योंकि आप सिंपल गैसेस स्टेट का कॉन्सेप्ट है गैसेस स्टेट के अकॉर्डिंग आप वॉल्यूम को हाफ कर दोगे तो प्रेशर डबल हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो प्रेशर हो गया ओटू का आठ सौ दस टॉर और प्रेशर ऑफ एच टू कितना रहेगा सेम थ्री फिफ्टी फाइव टॉर तो टोटल प्रेशर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा पी टोटल इज इक्वल टू एट हंड्रेड टेन प्लस थ्री फिफ्टी फाइव दैट इज इलेवन सिक्सटी फाइव एम एम ऑफ मरकरी या टॉर क्योंकि टॉर और एमएम ऑफ मरकरी ऑलमोस्ट सेम होते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप वेपर प्रेशर की बात करते हो तो उसको कंटेनर के साइज चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता बट अगर आपने उसमें कोई गैस भी रखी है सिर्फ गैस वो गैस जैसे वेसल का साइज चेंज होगा वो तो गैसेस स्टेट के लॉज के अकॉर्डिंग अपना प्रेशर चेंज करेगी तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड हाउ द वेपर प्रेशर वर्कस अब देखिए नेक्स्ट इज वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन कि हमारे पास लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है तो उसमें भी दो केसेस हमारे बनते हैं कि दोनों जो लिक्विड हैं आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट वो कैसे हैं तो पहला केस हम देखेंगे कि बोन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वॉलेटाइल दोनों वॉलेटाइल है मतलब दोनों अपने वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं तो ऐसे केस के लिए जब हम टोटल प्रेशर की बात करते हैं तो उसके लिए हम पढ़ते हैं रॉल्ड्स लॉ और रॉल्ट लॉ क्या बोलता है कि फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड लिक्विड अगर आप सोल्यूशन लेते हैं द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच इन द सोलूशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड ये इंपॉर्टेंट है तो क्या है? कहा गया है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट तो मान लीजिए यहां पर हमारे पास दो कॉम्पोनेंट है ठीक है सॉल्यूट को हमने लिखा है ज ए हटाइए सॉल्यूट को हम लिखते हैं बी एंड सॉल्वेंट इज ए तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इच कंपोनेंट मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड मतलब ये जो आपका लिक्विड है लिक्विड में भी आपके पास ए और बी दोनों हैं वेपर में भी आपके पास ए और बी दोनों है क्योंकि दोनों वॉलेटाइल हैं तो दोनों के वेपर्स बनेंगे ओके okay? तो ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है आपको तो ब्लू कलर में ये एक्सेस में है तो ये आपके पास ए है और जो यहां पर ये येलो ये 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 डॉट्स हैं या व्हाइट से डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं ये सॉल्यूट है बी तो उसी के अकॉर्डिंग हम लिक्विड स्टेट में हम डिफाइन करेंगे एक्स ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज एक्स बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड फेज ठीक है वैसे ही वेपर में भी तो दोनों है वेपर में ए के मॉलिक्यूल्स भी हैं बी के मॉलिक्यूल्स भी हैं तो यहां पर हम डिफाइन करेंगे वेपर स्टेट की मोल फ्रैक्शन को वाई ए एंड वाई बी से वाई ए होगा ए के वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ठीक है तो राउल्ट टॉप क्या बोलता है पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू तो मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज तो मतलब पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स ए पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स बी ठीक है और इसका जो प्रपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है दैट इज पी नॉट ए एक्स ए और पी बी आ जाएगा आपका पी नॉट बी एक्स बी ठीक है पी नॉट ए क्या पी नॉट ए इज देशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ए ही होता तो उसका जो टोटल प्रेशर आता दैट इज पी नॉट ए तो वैसे पी नॉट बी क्या होगा प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट बी कि सिर्फ बी होता आपके पास बीकर में तो उसका जो प्रेशर टोटल आता दैट विल बी पी नॉट बी तो ये तो इक्वेशन आ गई हमारे पास अकॉर्डिंग टू राउल्ड लॉ तो अब पी टोटल कितना आना चाहिए तो पी टोटल किसकी वजह से होगा ए का पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का पार्शियल प्रेशर मतलब पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी ये होना चाहिए ठीक है नॉट पी नॉट ए पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी ये रहेगा पी टोटल की वैल्यू अब हमारे को एक चीज और पता है कि टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा वन होती है तो आप एक्स ए प्लस एक्स बी करोगे तो वो भी वन होगा वाई ए प्लस वाई बी करेंगे वो भी वन होगा तो पी नॉट ए एक्स ए में पी नॉट बी एक्स बी को लिख सकते हैं वन माइनस एक्स ए तो ये कितना आ जाएगा रीअरेंज करके देखिए पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए तो दैट इज पी नॉट बी प्लस एक्स ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी पी टोटल तो आपके पास ये एक एक्सप्रेशन आ गया दूसरा आपको ऐसे भी हैं कि पी नॉट पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट okay तो ये दोनों आपके पास टोटल प्रेशर को मेजर करने के फॉर्मुलाज आ गए अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ लॉ किस पे अप्लाई होता है आइडियल सोल्यूशन पे ठीक है तो देखिए तो इसको आप याद कर सकेंगे देखिए प्योर कॉम्पोनेट कोई भी एक लीजिए चाहे ए या बी तो पी नॉट ए प्लस दूसरे कॉम्पोनेंट का मोल फ्रैक्शन इन टू डिफरेंस बिटवीन द प्योर प्रेशर्स ठीक है तो एक्स बी रहेगा तो यहां पर भी तो पी नॉट बी रहेगा पहले यहां एक्स ए रहेगा तो यहां पी नॉट ए रहेगा पहले तो दिस इज द रोल्टस लॉ सेकेंडली अगर हम देखें एज पर डाल्टन लॉ ठीक है डाल्टन लॉ भी तो हम अप्लाई कर सकते हैं गैसिस स्टेट का डाल्टन लॉ क्या बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पर कौन सी मोल फ्रैक्शन गैसियस फेज की मोल फ्रैक्शन मतलब वाई ए तो वैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन गैसेस फेज तो पार्शियल प्रेशर्स को मेजर करने के आपके पास दो मेथड हैं। एक तो पार्शियल प्रेशर को आप पी नॉट ए एक्स ए करके लिख सकते हैं ठीक है तो एज पर डाल्टन लॉ ये हो गया और एज पर राउल्ट्स लॉ हमारे पास कितना आ गया पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी तो अब इन दोनों लॉज को यूज करके हम देखिए क्या लिख सकते हैं पी ए तो दोनों एक्सप्रेशन बराबर हैं तो यहां से हम लिखेंगे कि पी टी इंटू वाई ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और यहां से आ जाएगा पी टी इंटू वाई बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी तो आप लिख सकते हैं कि एक्स ए इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए डिवाइड बाई पी नॉट ए वैसे ही एक्स बी इज इक्वल टू पी टोटल इन टू वाई बी अपॉन पी नॉट बी एंड सिंस एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन टोटल मोल फ्रैक्शन को ऐड करके वन आता है तो ये किसके बराबर होगा देखिए एक्स ए को लिखते हैं पी टी वाई ए डिवाइड बाई पी नॉट ए प्लस पी टी वाई बी अपॉन पी नॉट बी तो ये भी आपके पास एक इक्वेशन बनेगी और इस इक्वेशन को जब आप वन से इक्वेट करेंगे तो ये आपको फाइनल एक और फॉर्मूला देगा दैट इज वन अपॉन पी टोटल इज इक्वल टू वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट पी तो ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसको आप डायरेक्टली डिराइव भी कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं तो इससे आप उनकी वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शंस हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम okay? ओके अब नेक्स्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जो रॉल्ड लॉ हमारे पास है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी ठीक है यहां पर यह सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है तो देखिए अब देखिए इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अगर हम देखें रॉल्ड लॉ की तो बेसिक बात करें फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए देखिए जब आपके पास कंटेनर में सिर्फ ए लिक्विड ही प्रेजेंट है तो एक्स ए की वैल्यू क्या होगी वन तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए तो वैन एक्स ए इज वन बी बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है तो जो प्रेशर होगा वो पी नॉट ए के बराबर आ जाएगा वैसे ही बी इज इक्ट टू पी नॉट बी एक्स बी अगर आपके पास प्योर कंपोनेंट बी ही होता तो एक्स बी वन होता और प्रेशर ऑफ बीवल टू पी नॉट बी तो ये वैल्यू होती अब क्योंकि सिंस इज ग्रेटर देन पी नॉट बी हमने यहां पर यह लिया हुआ इसका मतलब ये है कि प्योर ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर देखिए वर्टिकल कॉलम में हमारे पास क्या है वेपर प्रेशर है यहां पे तो प्योर कॉम्पोनेंट ए का वेपर प्रेशर ग्रेटर देन प्योर कॉम्पोनेंट बी का दैट इज ए इज मोर वॉलेटाइल क्योंकि उसके वेपर ज्यादा बन रहे हैं इसलिए उसका वेपर प्रेशर भी प्योर फॉर्म में ज्यादा है तो ए इज मोर वॉलेटाइल देन बी इसका ये मतलब है अब जैसे जैसे आप प्योर कॉम्पोनेंट ए में धीरे धीरे बी एड करेंगे उससे क्या होगा जो एक्स ए की वैल्यू है वो कम होती जाएगी तो जैसे एक्स ए की वैल्यू कम होती जाएगी पी ए की वैल्यू भी कम होगी या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब x a ज़ीरो है तो p a की वैल्यू ज़ीरो है इस पॉइंट पे जैसे x a बढ़ेगा कहाँ तक जाएगा बढ़ के जीरो से वन पे तो p a लीनियरली बढ़ेगा तो ये लीनियरली बढ़ेगा और मैक्सिमम वैल्यू p नॉट a वैसे ही जब x b जीरो है तो p b की वैल्यू ज़ीरो और जब x b बढ़ेगा जीरो से वन तक तो वो भी लीनियरली बढ़ के पी नॉट बी तक जाएगा और जो पी टोटल है दैट इज पी ए प्लस पी बी और जिसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए तो देखिए ये जो आपके पास टोटल प्रेशर है ये कैसा है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी अगर एक्स बी को हम जीरो भी ले लें ठीक है एक्स बी को अगर हम जीरो लेते हैं तो इसकी पीटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी पी नॉट ए के बराबर और अगर हम एक्स बी को वन ले लेते हैं ठीक है एक्स बी को अगर हम वन ले लेते हैं यहां पर तो पी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी पी नॉट बी के बराबर तो मतलब पीटी कहां से कहां वेरी कर रहा है पी नॉट ए से लेकर पी नॉट बी के बीच में मतलब उसकी वैल्यू उससे नीचे नहीं जा रही है देखिए मिनिमम वैल्यू इसकी पी नॉट बी तो रहेगी मैक्सिम वैल्यू पी नॉट ए रहेगी तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो आप टोटल प्रेशर इस फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसका मतलब यहां पर हुआ कि टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कॉम्पोनेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कॉम्पोनेंट और सेकेंड पॉइंट कि पी टी टोटल प्रेशर वेरीज लीनियरली विद एक्स किसी भी मोल फ्रैक्शन के साथ वो लीनियरली वेरी कर रहा है। तो ये इसका ग्राफ आ गया अब इसके बाद हम देखते हैं कि रॉल्ट लॉ हर एक केस में एप्लीकेबल नहीं होता ठीक है द टोटल पीटी डजेंट ऑलवेज ओबे रॉल्टस लॉ कि कभी कभी आप दो कंपोनेंट्स ए और बी को मिक्स करेंगे और टोटल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको उतनी वैल्यू नहीं देगा जितना इस फॉर्मूले ने आपको बताया है तो ये हमेशा राउल्सलो को भी नहीं करता एंड सच केसेस आर क्लासिफाइड एज डेविएशंस फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन तो जो रोल्ड लॉ को ओबे नहीं करते उनके कहा जाता है कि दोज आर नॉट आइडियल सोल्यूशन वो क्या है नॉन आइडियल है तो हम ये बोलते हैं कि आइडियल सोल्यूशन कौन हुए सॉल्यूशंस दैट ओबे रॉल्ड्स लॉ आर कॉल्ड आइडियल सोल्यूशंस ठीक है तो सपोज कि रॉल्स लॉ के, के अकॉर्डिंग जो आप टोटल प्रेशर है बता रहे हैं वो कितना आना चाहिए था ट्वेंटी ठीक है तो ये ट्वेंटी हो गया आइडियल वैल्यू अब अगर आपकी वैल्यू ट्वेंटी से हायर जा रही है तो उसको हम लिखेंगे पॉजिटिव डेविएशन ठीक है ग्रेटर देन ट्वेंटी आ गया और अगर आपकी वैल्यू लेस देन ट्वेंटी है तो उसको कहा जाएगा नेगेटिव डेविएशन कि वो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो ये आपको याद होना चाहिए कि आइडियल सोल्यूशन वो होता है जो रॉल्स लॉ को एज इट इज फॉलो करते हैं जो रॉल्स लॉ की कैलकुलेटेड वैल्यू से हायर वैल्यू प्रेशर की दिखाते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन में आएंगे और जो से लोअर वैल्यू दिखाते हैं वो नेगेटिव डेविएशन में आएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कोई सोल्यूशन आइडियली बिहेव करेगा किन कंडीशन में और किन कंडीशन में वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या नेगेटिव डेविएशन शो करेगा ओके okay? सो so, See you in the next lecture. Thank you.